हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की हर एक छोटी बड़ी अपडेट खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों, पंचायतों के कुछ और क्षेत्र नगर निकायों में शामिल होंगे। बिहार के 3000 वार्ड सदस्य व पंच सरपंच होंगे बेरोजगार। कई मुखिया जी को भी हटाया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायतों के कुछ और क्षेत्र नगर निकायों में शामिल होने के बाद सरकार जीरो से आए प्रस्ताव पर शीघ्र ही निर्णय करेगी। इसके बाद ही नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी शुरू की जाएगी। सरकार की योजना कुछ और नगर निकाय भी बनाने की है कि पंचायतों के कुछ और क्षेत्र नगर निकाय में शामिल होने के बाद अभी इस पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही कुछ नगर पंचायत और नगर परिषद को अपग्रेड करने की भी तैयारी है। इसके बाद ही नगर निकाय चुनाव कराने के लिए शहरी आबादी का निर्धारण किया जाएगा। वर्तमान में नगर निकायों की संख्या 263 हो चुकी है और इसमें पिछले डेढ़ वर्ष में सरकार ने 120 नए नगर निकायों के गठन को मंजूरी भी दी है। अभी कुछ जिलों को प्रस्ताव लंबित है, शीघ्र ही इस पर निर्णय की तैयारी है। हाल ही में मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को सरकार ने रिटर्न गिफ्ट देते हुए असरगंज को नगर पंचायत क्षेत्र घोषित किया था। इसके अलावा दरभंगा जिले के दो नगर निकायों के क्षेत्र को विस्तार दिया गया था। सरकार द्वारा नगर निकायों के क्षेत्र में लगातार किए जा रहे विस्तार के कारण अभी तक करीब 3000 वार्ड सदस्य और पंच सरपंच का कार्यकाल महज 6 महीने में ही समाप्त हो जाएगा। इसी तरह कई मुखिया जी की भी कुर्सी चली जाएगी। उदाहरण के तौर पर मधुबनी जिले में झंझारपुर नगर पंचायत के नगर परिषद बनते ही बेहट दक्षिणी और उत्तरी पंचायत के दो मुखिया, दो सरपंच। मुंगेर जिले के असरगंज नगर पंचायत बनने से एक मुखिया और एक सरपंच के अलावा 50 से अधिक वार्ड सदस्य और पंचों की कुर्सी चली गई। और कानून में बदलाव का फायदा मिला है। सरकार ने नगर नए निकायों के गठन संबंधित मानकों में बदलाव का निर्णय 6 मई 2020 को ही लिया था। इसके बाद तेजी से अनुमंडल मुख्यालय बनाने वाले शहरों की पात्रता नगर निकाय बनाने के लिए बढ़ गई थी। वित्त आयोग से शहरी निकायों को गांव की अपेक्षा ज़्यादा अंशदान मिलेगा और इससे यही लाभ होगा। राज्यांश और केंद्रांश का भी हिस्सेदारी इसमें मिलेगा। डेढ़ वर्ष पहले बिहार का शहरीकरण महज 11% था, जो देश में सबसे कम था। और नए निकाय बनने से राज्य का शहरीकरण का प्रतिशत तेजी से बढ़ने की उम्मीद जगी है। पंचायत राज्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी जानकारी अभी तक करीब 3000 वार्ड सदस्य और पंचों का क्षेत्र नए नगर निकायों के गठन के बाद शहरी क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है। यानी कि अभी और भी मुखिया जी की सीटें इसमें जाएगी, कुर्सी जाएगी, सरपंचों की कुर्सी जाएगी और वार्ड सचिव का तो कहना ही नहीं है, उनका तो कुर्सी जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए माई स्मार्ट बिहार के साथ। यहाँ पर आपको बिहार की हर एक महत्वपूर्ण खबर, पंचायती राज से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।